सिद्धार्थ यादव, अब यूपी को साधने के लिए जयंत की भी जरूरत, 80 सीटों का जो मिशन रखा गया है, कहीं कोई कसर नहीं छोड़नी है, यही रणनीति? देखिए पूजा जी, मैंने आपके शो पे ही कहा था, ये जो भी हो रहा है ये हमारे कारण से नहीं हो रहा है, ये तो राहुल जी की देन है, उनकी मेहर है। वो एक यात्रा पे निकले हैं, मैंने पहले भी कहा था, जहां जहां वो जा रहे हैं ऐसी कोई खबरें आ जाती हैं, कहीं घटनाएं हो जाती हैं। अब ममता जी छोड़कर गई, हमारे साथ तो नहीं आई, खुद ही छोड़ करके चली गई ना, बिहार तक पहुंचे, सरकार टूट गई, अब यहां पर भी आ रहे हैं तो यहां पर भी ऐसी खबर आ रही है, और महाराष्ट्र तक जाएंगे। पर मेरा कहना दूसरा है, यानी महाराष्ट्र में भी मेरा खिलौना कहना बाकी यह है। है, सिद्धार्थ, संकेत दे रहे हैं आप कि मैं तो बिहार विश्वास बिहार जता रहा पहुंच हूं रही थी राहुल जी यात्रा, पर। नीतीश को आपने बुला लिया, यूपी पहुंचने वाली है तो जयंत को आप बुला रहे हैं, अब अगला नंबर महाराष्ट्र। देखिए पूजा जी, हम तो किसी को नहीं बुला रहे, कोई आना चाहता है, किसी को छोड़कर करके आता है तो हम विचार करते हैं कि वो हमारे साथ आए कैसे आए, बुलाने की और ना बुलाने की तो कोई बात है नहीं। पर राजनीति है, हर पार्टी को अपना फैसला करना है, लोकतंत्र है, तो वो तय करते हैं, पहली बात तो ये। पर रही दूसरी बात, मैं आज आपके शो पर एक बात पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के हमारे साथी या कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी दल, आज जैन जी बहुत अच्छे लगते हैं इनको, अगर बाय चांस, आज मैं एक अटकल आपके शो पर पूछ रहा हूं, अगर वो एनडीए में आ जाते हैं तो आप उनको चोर बुलाना तो शुरू नहीं करेंगे? ऐसे ही तो आप सबके साथ करते हैं, जब तक आपके साथ लोग रहते हैं तो बहुत अच्छे रहते हैं, आज तक भी बहुत अच्छे हैं। पर कोई भी दल, मैं तो कहता हूं नीरज जी भी अगर कांग्रेस को छोड़कर के भाजपा में आ जाएंगे तो इनके साथी सारे बोलेंगे ये नीरज जी थे सबसे बड़े चोर, देखिए कहां चले गए, देखिए भाजपा ने इनको बुला लिया, अपने साथ बैठा लिया। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। रही बात उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है, ये आप भी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता भी जानती है, और तो हम भी मुलाकात जानते हुई हैं है क्या उत्तर जयंत प्रदेश की चौधरी की? जनता। मुलाकात हुई है क्या शीर्ष नेताओं से? ये तो पूजा जी बातचीत आप चल रही बताएंगे, है? टेलीविजन चैनल आप चला रहे हैं, खबरें आप देते हैं, हमने तो कुछ कहा नहीं, हमने नहीं, तो ऐसी हमारे कोई पास भी बात सूत्रों के नहीं की। हवाले से है ना, तो इसलिए स्पष्टीकरण मैं आपसे ले रही हूं। नहीं, इसीलिए तो आपके सूत्र ही बता पाएंगे, हम तो बता नहीं सकते। देखिए हमने तो कहा नहीं, हमने कोई स्टेटमेंट आई नहीं, हमारे किसी नेता ने कहा नहीं, मैं आपको कह नहीं रहा, पर आप लोग के सूत्र हैं, सूत्रों की बात फिर आप बताइए, आप भी उसको दुरुस्त करिए। पर मुद्दा बस इतना है कि बात कोई भी हो, कहीं की भी हो, जो भी ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करके बढ़ते हुए इस भारत की गति में, इस महायज्ञ में अपनी भी आहुति देना चाहता है, और इस गोल्डन पीरियड को, भारत के इस गोल्डन पीरियड को पकड़ करके भारत को नई ऊंचाइयों को दिखाना चाहता है, हम ऐसे किसी भी व्यक्ति का स्वागत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक और है ये जैनेन्द्र भारत की स्टोरी जैनेन्द्र में उनकी जी कॉन्ट्रीब्यूशन जैनेन्द्र है, जी आप तो इसलिए चाह ही हम रहे उनको थे बुला जयंत रहे हैं। चौधरी।